हेलो गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एसएलर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में। सो समुद्रा इज बेसिकली कंडक्टिंग फोर कोर्सेज विच आर डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियर, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर। सो 2020 बैच अगस्त के लिए फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन समुद्रा, सो यू कैन फिल अप दैट फॉर्म। द फी ऑफ दैट फॉर्म इज 1100 रुपीज। सो लेट मी टेल यू ऑल द स्टेप्स विदाउट एनी डिले टू ज्वाइन Samundra Institute. Te mueva ese culo. फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सो समुद्रा का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड एंड आपका पासपोर्ट। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि पासपोर्ट इज मैंडेटरी। सो किसी भी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा। सो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट, विद इन 1 week यू विल गेट योर पासपोर्ट। सो गाइस, आवर सेकंड स्टेप इज एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म के लिए सिंपली आपको समुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट www.samundra.com पे विजिट करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो कहीं से भी जाके आपको विजिट करना है। मोस्टली लोग समुद्रा की साइट को विजिट करके चले जाते हैं लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता। सो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स एप्लीकेशन लिखा हुआ है। कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, प्रीसी कोर्स, पोस्ट कोर्स एंड ऑफशोर कोर्स। इसमें आपको प्रीसी कोर्स पे क्लिक करना है। प्रीसी कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आ जाए। उसके बाद फॉर्म की स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको रीड कर लेनी है। इसके बाद आपको कोर्स चूज करना है, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म का फॉर्मेट आ जाएगा जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स पुट करनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपसे सबसे पहले आधार कार्ड नंबर पूछा गया है, आधार कार्ड नंबर डालना है। देन आपके अदर डिटेल्स लाइक योर नेम, योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आपके पास मेडिकल का ऑप्शन आ रखा है। मेडिकल के ऑप्शन में आपसे आई साइटेड पूछी गई है, शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड है या नॉर्मल है, उसमें से एक ऑप्शन चूज कर लेना है। देन आपके पास लेफ्ट साइड में आपसे कलर ब्लाइंडनेस पूछी गई है, उसमें नो डाल देना। अगर यस है तो आप किसी भी मैरिटाइम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कोई और डिसीज है या फिर पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स पुट अप कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको 10th की डिटेल्स पुट अप करनी है, देन 12th की डिटेल्स पुट अप करनी है। ये सब पुट अप करने के बाद आपसे अदर डिटेल्स में आपको सीईटी के लिए सीटी चूज करनी है। सो बेसिकली दे आर कंडक्टिंग देयर सीईटी एग्जाम इन 7 cities विच आर चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, पटना, कोचीन, लोनावला एंड चेन्नई। सो आप अपनी नियर बाई सिटी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको समुद्रा के बारे में कहाँ से पता चला, वो आपको बता देना है कि इंटरनेट पे कोई वीडियो वगैरह देखी या फिर किसी रिलेटिव से पता चला है, वो आपको बताना है। उसके बाद नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको रीड कर लेनी है। देन आपका डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो आप अपना राइट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो गाइस, आवर थर्ड स्टेप इज सीट बुकिंग। सीट बुकिंग के लिए जब आप फॉर्म फिल अप कर रहे होगे वहीं पे आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन में जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, विच इज 1100 रुपीज। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एग्जाम सेंटर का, एग्जाम सेंटर चूज करना है। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद आपको डेट और टाइम का भी ऑप्शन मिलेगा। आप अपने हिसाब से डेट चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं। ये सब चूज करने के बाद आपकी होल टिकट जनरेट हो जाएगी। जनरेट होके जो होल टिकट रहेगी वो आप अपनी मेल पे मिल जाएगी। उसके बाद आप सिलेक्टेड डेट को जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं। सो गाइस, और फोर्थ स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सो समुद्रा का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपकी सीईटी की परफॉर्मेंस और आईएमसीटी की रैंक के बेस पर रहेगा। सो सीईटी में आपको 3 steps क्लियर करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट में आपके 3 sections रहेंगे। पहले सेक्शन में आपका डेमो प्रैक्टिस पेपर होगा 10 minutes का। देन section 2 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 60 minutes का टाइम दिया जाएगा। section 3 में आपका इंग्लिश राइटिंग टेस्ट रहेगा, जो DNS और BTech वाले हैं उनका 10 मिनट का रहेगा और GME और ETO वाले हैं उनका 15 मिनट का रहेगा। आपको कोई भी लेटर लिखने को दिया जा सकता है। उसके बाद जो स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे बेसिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एकेडमिक डिटेल्स और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। देन सेम टाइम round 2 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट समुद्रा में एज ए फॉर्मेलिटी लिया जाता है, वो सबका क्लियर हो जाता है। सो जो स्टूडेंट इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जाम जो रहेगा वो आपका
डीजी अप्रूव डॉक्टर के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट रहेगी मेडिकल रिपोर्ट, वो आपको कॉलेज में सबमिट करनी रहेगी। सबमिट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग फीस जो रहती है उनकी वो पे करनी है, विच इज अराउंड 50,000, वो आपको पे करनी है। वो पे करने के बाद आपको अपना सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको फी की रिसिप्ट मिलेगी वो आपको संभाल के रखनी है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए आओगे वो आपको दिखानी पड़ेगी। सो गाइस, और फिफ्थ स्टेप इज इम्पोर्टेंट डेट्स। सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाले हैं उनका बैच 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट होगा, 31 जुलाई 2020 को आपको समुद्रा में रिपोर्ट करनी रहेगी। उसके बाद जो बीटेक मरीन इंजीनियर वाले हैं उनका भी बैच 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट रहेगा, आपको भी एक दिन पहले रिपोर्ट करनी रहेगी। उसके बाद जो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर वाले हैं उनका बैच 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट रहेगा, उनको जो रिपोर्ट करनी रहेगी वो 31 अगस्त 2020 को समुद्रा में रिपोर्ट करनी रहेगी। सो गाइस, और सिक्स टाइप इज टोटल सीट्स इन समुद्रा। तो ये जो बैच होने वाला है 2020 अगस्त वाला, इसमें जो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाले रहेंगे उनमें आपकी सीट्स रहेंगी 120। उसके बाद जो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर वाले हैं उनकी सीट्स 80 रहेंगी। उसके बाद जो बीटेक मरीन इंजीनियर वाले हैं उनके लिए 40 सीट्स रहेंगी। उसके बाद जो ईटीओ इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर रहेंगे उनके लिए 12 सीट्स रहेंगी। सो गाइस, और सेवंथ स्टेप इज फीस स्ट्रक्चर ऑफ समुद्रा। सो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी फीस रहेगी 6,60,000। उसके बाद जो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर वाले रहेंगे उनकी फीस रहेगी 5,94,000। देन जो ईटीओ रहेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर उनकी फीस रहेगी 4 लाख। उसके बाद जो बीटेक मरीन इंजीनियर वाले हैं बीटेक मरीन इंजीनियर वालों की फीस रहेगी अराउंड 12 लाख फॉर 4 ईयर। सो गाइस, और 8th स्टेप इज प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ समुद्रा इंस्टीट्यूट। सो एज यू नो समुद्रा इज एफिलेटेड विद द पेरेंट्स कंपनी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। सो जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे समुद्रा के वो एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी आती है समुद्रा में, वो लेके चली जाती है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो सारे ESM के शिप्स पे प्लेस रहेंगे। इसमें जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा वो कुछ ज्यादा ही रहता है, 7-8 महीने को आपको वेटिंग पीरियड मिलेगा। इतनी अच्छी आप अपनी परसेंटेज लेके आओगे उतना जल्दी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्लेसमेंट रहता है वो परसेंटेज वाइज रहता है। लाइक आपसे ज्यादा किसी को परसेंटेज है तो उसको पहले प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपसे नीचे किसी को परसेंटेज है तो उसको बाद में प्लेसमेंट मिल जाएगी। सो आपको अच्छे से अच्छी स्टडी करनी है, अच्छी परसेंटेज हायर करनी है, आपको जल्दी प्लेसमेंट मिल जाएगा। के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आपके किसी भी फ्रेंड को GME, BTech, मरीन इंजीनियर, DNS के लिए या फिर ETO के लिए किसी को अप्लाई करना तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। IMI के भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, अगर आपको उनके लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड हैप्पी सेलिंग। बोन वॉच, जय माता दी। Que mueva ese culo.